हेल्दी बॉडी के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। विटामिन डी हमारे दिमाग को स्वस्थ, हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। लेकिन बात जब हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने में आती है, तब विटामिन डी क्या रोल प्ले करता है, लेट्स फाइंड आउट। विटामिन डी खास तौर से देखा गया है कि जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, जो कि खास तौर के बाहर से जैसे बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, उनसे जो हमारे मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, जो हमारे WBC होते हैं, जो कि हमारे फाइटर सेल्स होते हैं हमारे खून के अंदर, उनकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उनके अच्छे से वो एक्ट कर पाएँ, वो बैक्टीरिया और वायरस से खूब ताकत के साथ लड़ पाएँ और उनको धराशायी कर पाएँ, उसके लिए उनको विटामिन डी की ज़रूरत होती है। इसलिए विटामिन डी जो होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाता है, और साथ ही में जो इसका इम्यूनो मॉड्यूलेटरी रोल भी होता है, यानी कि जो ऑटो इम्यून सेल्स हमारे बॉडी में एक्टिवेट हो जाते हैं, जो हमारे शरीर के अपने ही तत्वों को नुकसान देने लगते हैं, उनको भी कंट्रोल करने में विटामिन डी का रोल देखा गया है। ये तो बात हो गई किस तरह से विटामिन डी हमारी सेहत को हेल्दी रखता है, लेकिन जो लोग विटामिन डी का कंजप्शन करते हैं वो किन किन डिजीजेस से दूर रह सकते हैं ये भी जान लेते हैं। विटामिन डी का जो लोग अच्छे से सेवन करते हैं, उनको फ्लू होने की संभावनाएं जो हैं वो कम हो जाती हैं, और जो सीजनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तरह तरह के बुखार और परेशानियां होती हैं, उन सब की संभावनाएं कम हो जाती हैं। किसी भी एडल्ट मेल या फीमेल में विटामिन डी की रिक्वायरमेंट लगभग 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे की होती है। लेकिन अगर हम विटामिन डी के डोजेस ज्यादा ले लेते हैं तो ये हमारे लिए किस तरह से नुकसानदायक हो सकता है, लेट्स फाइंड आउट। वही ध्यान रखिए कि विटामिन डी भी अगर शरीर में ज़्यादा हो जाए तो वो भी नुकसान दे सकता है, क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो फैट सॉल्युबल होता है और इसलिए हमारी बॉडी में धीरे धीरे रिलीज होता रहता है, तो इसकी टॉक्सिसिटी भी जो होती है वो आसानी से ठीक नहीं होती है, वो एक लंबे समय तक तंग कर सकती है। अब खास तौर से क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, तो अगर विटामिन डी ज़्यादा होगा तो उस शरीर में कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा, और कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि डिजीनेस हो सकती है, किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है, उसके अलावा नौजिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। और वहीं विटामिन डी डेफिशिएंसी की अपनी वजह से भी कुछ लोगों में फॉरगेटफुलनेस देखी जाती है, यानी कि ठीक से याद नहीं आ रहा है क्या बात है, या स्लर्ड स्पीच भी हो सकती है, बोलने में दिक्कत महसूस हो सकती है, और साथ ही में टायर्डनेस और बहुत ज़्यादा घबराहट, ये सब दिक्कतें भी विटामिन डी टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकती है। इसलिए जो भी सप्लीमेंट्स हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्स लेने की आजकल बहुत ज़्यादा चलन हो गया है लोगों में, और लोग इंटरनेट पे पढ़ के अपने मन से सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा डॉक्टर से सलाह करके तब सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, ताकि वो आपको नुकसान नहीं दें बल्कि आपको फ़ायदा करें। तो नेक्स्ट टाइम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेते वक्त अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, एंड ऑल्सो मेक श्योर जब भी आप सप्लीमेंट्स लें तो उसमें हर्बल एक्सट्रैक्ट्स जैसे नेचुरल विटामिन डी जरूर हो, 100% वीगन हो, एंड मॉडर्न न्यूट्रिशन जैसे 100% RDA हो, वो 100% नेचुरल हो और उसमें किसी भी तरह के एडिड कलर या फिर प्रिजर्वेटिव्स ना हो। वेल, हमने काफी सारी विटामिन डी की बातें कर ली है, और भी ऐसी हेल्थ वीडियोस के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब जरूर करें।